सम्मानित किया गया, आपने भी काफ़ी कुछ काम किया लॉकडाउन में भी, तो क्या कुछ करना चाहिए? हाय, गौरंग नायक फ्रॉम भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स बी यात्रा .com। वो नारी के नाम की, नारी सम्मान में नारी के नाम की कंपनी है, और हमारे मुंबई की कहावत है एक नारी सब पे भारी। तो आज के सम्मान के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने। ये जेनिफर है, बहुत अच्छी लड़की है, कल की तारीख में बड़ी एक्ट्रेस भी बन सकती है। और शीर्ष विभा, और इनकी खुद की कंपनी है बी यात्रा .com। इन्होंने नारियों के लिए आज 10 गिफ्ट वाउचर दिए हैं पंचगनी की 4-स्टार लग्जरी होटल समर प्लाजा रिसोर्ट में, फ्री 2 नाइट्स 3 डेज होटल स्टे दिया है एक नारी ने, एक नारियों के लिए। जी मैम, आपका क्या मैम, आपका कहना चाहिए? प्राउड टू बी ऑनर, और आज नारी सम्मान मिलके ये प्राउड फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ हर किसी के लिए, हर किसी को कुछ ना कुछ ये पैंडेमिक टाइम में करना चाहिए। और मैं ज़्यादातर टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहूँगी कि नाउएडेज टूरिज़्म इज़ डाउनवर्ड्स, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए टूरिज़्म को अपवर्ड्स करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। मैं इतना ही कहूँगा कि हर नारी घर से बाहर निकले, कुछ ना कुछ बिजनेस करे और कुछ ना कुछ आगे बढ़े। और वो नारी का सम्मान हम पहले से बरसों से करते आए हैं, और दुर्गा माता से लेके आज की नारी तक हम सबको सम्मान करते हैं। और हर जगह मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ कि जो हर कोई लेडीज घर पे बैठ के खुद का ओन बिजनेस कर सके और खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और वो बिजनेस रहेगा टूरिज्म बिजनेस। मैं गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की जो पैंडेमिक चल रही है, वो पैंडेमिक में हम लोग को सपोर्ट करे। टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत डाउनफॉल चल रही है, होटल इंडस्ट्री डाउनफॉल चल रही है, हम सबको सपोर्ट करे। ना ही खाली एक टूरिज़्म इंडस्ट्री, मैं बोलूँगा हर इंडस्ट्री के लोगों को प्रॉब्लम है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के साथ ही रहेंगे, और वोकल फॉर लोकल रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच। हाँ।